नमस्कार, मैं हूं मनोज। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स टीवी पेश है न्यूज रिपोर्ट। अंशकालीन जलवाहक कम सेवादार संघ ने अनदेखी पर आंदोलन तेज कर दिया है। संघ ने अपने क्रमिक अनशन को गत सोमवार से आमरण अनशन में बदल दिया है। सरकार की अनदेखी से मंडी के सेरी चांदनी परिसर में 9 जलवाहक दूसरे दिन भी आमरण अनशन पर डटे रहे। इस दौरान जलवाहकों ने मांगों के समर्थन में नारेबाजी भी की। संघ की माने तो सरकार जलवाहकों की अनदेखी कर रही है, जिस पर अब उन्हें यह फैसला लेना पड़ा। जैसे ही मुख्यमंत्री महोदय जी हमारे मांगों के ऊपर उच्च अधिकारी के माध्यम से अगर हमें वार्तालाप के लिए शिमला बुलाते हैं तो हमारा हिमाचल प्रदेश के लोग वार्तालाप के लिए बिल्कुल तैयार है। और इन मांगों को जब तक माना नहीं गया या उच्च अधिकारी के माध्यम से हमें कोई लिखित रूप में दिया नहीं गया तब तक आमरण अनशन जारी रहेगा, क्योंकि इन लोगों ने एक नारा दे दिया है जब तक हमारी मांगे नहीं माने तब तक हम इस आमरण अनशन नहीं उठेंगे। हमारे जिला मंडी में इस वक्त जो है 800 के लगभग जलवाहक है, जिसमें अंशकालीन जलवाहक भी है और डेली वेजर लोग भी है। अभी जो सरकार शिक्षा विभाग अभी मैं सरकार से जो मांग की गई है उसमें हमारे 563 लोग हैं जो 10 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर चुकेंगे। अगर सरकार हमारे 10 साल का कार्यकाल मान लेती है तो 563 जलवाहक है इसमें आ रहे हैं तो ये नियमित हो जाएंगे। अगर शिक्षा विभाग में भी कहा शिक्षा विभाग में खाली पद नहीं है तो हमें उसी पद पे रेगुलर कर दिया जाए जहां हमारे पार्ट टाइम की जॉब थी वहां हमें डेली वेजर बनाया गया। और जब उस पार्ट टाइम से हमारे को डेली वेजर बनाया गया तो उसी पोस्ट में हमें नियमित किया जाता है। अगर सरकार वैसा भी नहीं करती तो हम अन्य विभाग जाने के लिए भी बिल्कुल तैयार है। संघ की मांगों में मुख्य रूप से बिना किसी शर्त 10 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके जलवाहकों को नियमित करना है। अगर शिक्षा विभाग में खाली पद नहीं है तो अन्य विभाग में भेजना, अंशकालीन जलवाहकों को 5 साल के बाद डेली वेज बनाना और 3 साल के बाद नियमित करना शामिल है। इसके साथ ही इन्होंने मांग उठाई है कि जलवाहकों की सेवानिवृत्ति भी 58 साल से बढ़ाकर 60 साल की जाए। मंडी से नीरज शर्मा की रिपोर्ट। मंडी से लाइव टाइम्स टीवी के लिए नीरज शर्मा की रिपोर्ट। लाइव टाइम्स टीवी के फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।